जितनी भी गवर्नमेंट्स घुस होंगी उसके अंदर उन्होंने कितना आवा मसाइल के लिए एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए काम किया हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली पर्सनल मफादात की सियासत ज़्यादा है और लजस्लेटिव और पब्लिक इंटरेस्ट की सियासत कम है पिछले तीस साल के अंदर या चालीस साल के अंदर इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं जो कि किसी ना किसी के अनफॉर्चुनेटली उस सियासी तबके से कनेक्ट करती करते है। वो जनरेशन जो कि हमारी सियासत की पावर में आई थी 1980s के उस प्रोजेक्ट के अंदर हक हाँ साहब की पेट्रेज के नीचे उस जनरेशन को आप वक्त खत्म हो गया आपकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएंगी तो आपको अरेस्ट से छुटकारा मिल जाएगा और मैं जेल में मर जाऊंगा तो भी मुझे अरेस्ट से छुटकारा नहीं मिलेगा ये काम सिर्फ कानून का नहीं है इस काम के अंदर जुडिशल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ज्यादा

और आज मुल्की सियासत और कानून पे बात करने के लिए मुझे जिन गेस्ट ने जॉइन किया है वो पाकिस्तान के बहुत रिनोन लॉयर और बहुत ही फेमस टीवी एनालिस्ट और मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट इस रीज़न से हैं कि मैं हमेशा पसंद करता हूँ उन चीज़ों को जो ब्लैक एंड वाइट हो पर ग्रे ना हो हम जब भी एनालिसिस सुनते हैं हमें उनमें एक बहुत ग्रेश एनालिसिस नज़र आते हैं लेकिन मुझे कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस बहुत पसंद है और मैं आज वेलकम करता हूँ अपने गेस्ट को जो जिनका नाम है साद रसूल वेलकम टू द शो सर बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर हैविंग मी साध साहब मेरा आपसे बेसिकली पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने आप एज जैसे मैंने इंटरओ के अंदर बताया कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस के बारे में मैं जब भी आपके एनालिसिस देखता हूँ उनमें कंस्ट्रक्ट उनके अंदर कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस बहुत ज़्यादा मौजूद होता है चाहे आप उसकी फेवर करें चाहे आप उस एनालिसिस के अगेंस्ट हैं किसी भी चीज़ के तो जो ये कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस की थ्योरी है इसको आप क्यों ऑप्ट करते हैं Uh, देखिए ये पर्पजफुल ऑप्शन uh, नहीं है हर बंदे का सोचने का अंदाज या गुफ्तु करने का अंदाज़ मुख्तलफ होता है uh, सबसे पहली बात कम अज़ कम एनालिसिस देने के अंदर ये है uh, जो मैं अपने लिए uh, कोशिश करता हूँ uh, कि आपके एनालिस में कोई एजेंडा ना हो uh, कोई right. uh, प्रोकलिविटी ना हो इस तरह की जो कि आपके एनालिस को बायस कर दे आपके इंटेलेक्ट से डाई को डाइल्यूट कर दे कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस जो हैं खवा वो पोलिटिकल प्रेफरेंसेस हों वो जुडिशल प्रेफरेंसेस हों वो लीगल प्रेफरेंसेस हों आप उनको फैक्टर इन करके किसी सिचुएशन का एनालिसिस ना करें कोशिश करें कि ना करें आ, हर इंसान को मेरे ख्याल में हर इंसान को दिल में पता होता है कि सच क्या है तो आजकल हमारे मुल्क में बहुत से लोगों को चोर शोर कहा जा रहा है बहुत से लोगों को नहीं कहा जा रहा hmm. जिनको कहा जा रहा है उनको भी पता है दिल में कि उन्होंने चोरी की है या नहीं की जो कह रहे हैं उनको भी पता है कि चोरी हुई है या नहीं हुई अब कुछ लोग अपनी सियासी प्रोक्लिविटीज़ की वजह से एक तरफ हैं कुछ अपनी सियासी प्रोक्लिविटीज़ की वजह से दूसरी तरफ हैं मेरे ख्याल में अनालिस कानून का या सियासत का या माशरे का या किसी भी इशू का वो दुरुस्त है या वो बेहतर है जहाँ पे लोग इंसान अपने ज़मीर का सच बोले और ज़मीर का सच जिसको के मैंने अभी कहा कि हर बंदे को दिल में पता होता है कि सच क्या है आम, जैसे ही आप उस, उस सच को आर्टिकुलेट करें और उसके रीजंस बयान करें तो मेरा ख्याल वेस्टर्न थ्योरी में क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस कहते हैं राइट right. मेरा यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हम प्रोसिक्यूशन की बात करें मैंने थोड़ी सी रिसर्च की पिछले दिनों के अंदर कुछ लोग जिनको जेल में डाला गया पकड़ा गया उनमें से एक एक्जाम्पल राना सनावला साहब की थी राना सनाउला साहब को जब मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया उनकी कॉन्स्टिट्यसी के बारे में देखा जब रिसर्च की जब मैंने उनकी पार्लियामेंट्री स्पीचेज सुनी वो एक पार्लियामेंट के अंदर आवाम के नुमाइंदे हैं लेकिन मुझे आज तक उनकी कोई स्पीच नज़र नहीं आई जो कि वो हेल्थ की बात करें एजुकेशन की बात करें अवाम के मसाइल की बात करें ऑन द अदर हैंड एक बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से मे बी मे बी एक बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से आज वो एक हीरो बन के पार्लियामेंट में आते हैं और लोग उनके लिए बेसिकली आवाज़ें उठाते हैं आवाज़ रेज करते हैं और वो एक हीरो के तौर पर पाकिस्तान के अंदर सामने आए क्या हमारी आवाम का हमने क्रिटिकल अनालिस की अभी बात की तो क्या आपकी जगह आवाम को भी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना चाहिए कि एक बुरी प्रोसिक्यूशन या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट द केस वो एक प्रोसिक्यूशन की वजह से अगर एक हीरो बन गए हैं लेकिन वो जिस काम के लिए पार्लियामेंट में लाए गए हैं सिर्फ आज की बात नहीं पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी उनके उसके अंदर उन्होंने कितना अवामी मसाल के लिए एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए काम किया तो इस इधर आवाम को भी कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है देखिए राना साहब से मेरे बहुत से इख्लाफा था सियासी तौर पे भी दीगर इशूज़ पे भी मॉडल टाउन मैसकिर के ऊपर बहुत वैसे वो वकील हैं लॉ मिनिस्टर रहे हैं तो कानून के रिफॉर्म के ऊपर मेरे उनसे बहुत से अख्तलाफा हैं लेकिन आ, जो भी आपने बात की उसके अंदर राना साहब को सिंगल आउट ना करें आ, आप प्रोविशल असम्बली किसी को भी ले लें और उसके अंदर जो दीगर लोग हैं जो कैबिनेट के अंदर रहे हैं या वैसे प्रोविनशल असम्बली का हिस्सा हैं या नेशनल असम्बली के अंदर आप तमाम लोगों को ले लें जो या कैबिनेट में रहे हैं वैसे नेशनल असम्बली का हिस्सा हैं उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने हेल्थ के ऊपर तकदीर की है? सिर्फ सिर्फ राना सनावला साहब का मसला नहीं है Absolutely. ये आ, आप देखते हैं कि आए दिन जब तकारीर हो रही होती हैं पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर तो वो लेजस्लेटिव एजेंडा के ऊपर नहीं हो रही होती हैं वो अपने सियासी कायद के दिफा के अंदर हो रही होती हैं या अपनी आ, किसी ना किसी नैब की या दीगर इन्वेस्टिगेशन को छुपाने या उसके एक्सक्यूज देने के अंदर हो रही होती हैं सबसे बड़े भी जो हमारे पोलिटिकल लीडर्स हैं एंड एम नॉट ट्राइंग टू सिंगल दिस आउट बट प्राइम मिनिस्टर के बाद पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ा उद्दा है वो अपोजिशन uh, लीडर का है right. आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और वो जेल से प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर नेशनल असम्बली के अंदर आए तो उन्होंने कोई अपोजिशन की तकरीफ नहीं की उन्होंने बताया कि उनका सियासी डिफेंस क्या है कि मेरे खिलाफ जो केस है उसके अंदर ये बात है मैंने ये किया मैंने ये किया तो कौम का टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ़ राना सनाउला साहब नहीं बल्कि हमारे तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स अनफॉर्चुनेटली उसमें से मेजोरिटी तकरीबन अनफॉर्चुनेटली किसी एक पोलिटिकल पार्टी का ये बात नहीं पी टी आई के लोग नून लीग के लोग पीपल्स पार्टी के लोग उनका आवाम के रिफॉर्म एजेंडा से लेजिलेटि एजेंडा से तो अगर कोई ताल्लुक है तो मैं जानना चाहता हूँ और बल्कि बाकी आवाम को भी बताएँ कि किसका ताल्लुक है सियासत और आ, हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली पर्सनल मफादात की सियासत ज़्यादा है और लजस्लेटिव और पब्लिक इंटरेस्ट की सियासत कम है जहाँ पर आपने प्रोसिक्यूशन की बात की राना सनावला साहब का केस एक सब्जेक्ट है तो उसके केस के मेरिट्स के ऊपर right. मैं बात नहीं करूँगा right. आ, लेकिन आ, एक ऐसा तबका हमारे माशरे के अंदर जो 1980 की दिहाई में सियासत के अंदर आया या 1980 की दिहाई के बाद सियासत के अंदर आया मैं इसको नाइनटीन का प्रोजेक्ट कहता हूँ right. जिसके के अंदर एक ऐसा नए नया तबका सियासत के अंदर लीडर बन गया जो पिछले तीस साल से हमारे ऊपर मुसलत है आप उसके अंदर बानी एम की बात कर लें तो वो भी उसी टाइम पीरियड के अंदर बने बहुत से नून लीग के तो तकरीबन सारी नून लीग नाइनटीन एटीज़ के अंदर बनी पीपल्स पार्टी जो नाइनटीन एटीज़ से पहले की थी और जो पीपल्स पार्टी नाइनटीन एटीज़ के बाद की है जिसके अंदर वडेरे भी शामिल हैं बिजनेसमैन भी शामिल हैं चाइना कटिंग वाले भी शामिल हैं मंजूर कादिर काका जैसे लोग भी सिंध के अंदर शामिल हैं वो लोग हमें इस तरह की सियासत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नाइनटीन एटीज से पहले नज़र नहीं आती आपको एटीज से पहले की सियासत पे इख्लाफ हो सकता है असर खान की पॉलिसी से अख्तलाफ हो सकता है डी भुट्टो की पॉलिसी से अख्तलाफ हो सकता है उससे पहले की आमरीत की पॉलिसी से इख्त हो सकता है लेकिन कम अज़ कम पब्लिक डिस्कोर्स एक पर्टिकुलर तरीके से थी नाइनटीन एटीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर एक नया सियासी तबका आया जिसने के पिछले तीस साल के अंदर या चालीस साल के अंदर इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं जो कि किसी ना किसी तरीके अनफॉर्चुनेटली उस सियासी तबके से कनेक्ट ना करती हो इसी टाइम पीरियड के अंदर हमारी चलती हुई स्टील मिलें बंद हो गई हमारी अच्छी खासी एयरलाइन बंद हो गई हमारी रेलवेज जो कि अच्छी खासी चल रही थी बंद हो गई हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन तबाह हो गए पुलिस पोलिटिसाइज़ हो गई अकाउंटबिलिटी का प्रोसेस बंद हो गया नेशनल असम्बली की तक की तकारीर जो आप अगर नाइनटीन सेवेंटी थ्री की कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स पढ़ें तो आपको नज़र आता है कि उसके अंदर लोग रियासत के अमूर के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं वो तमाम चीजें बहुत साउंड थी वो चीजें अच्छी बात यह है कि मेरे ख्याल में अब 2010 के करीब 2020 के करीब आके वो जनरेशन जो के हमारी सियासत की पावर में आई थी नाइनटीन के उस प्रोजेक्ट के अंदर हक साहब की पेट्रेज के नीचे उस जनरेशन का वक्त खत्म हो गया ये उनका लास्ट डाइंग लेग है यहां से आगे जिधर भी मुल्क जाए तो वो लोग जो के पिछले 40 साल से हमारी हुक्मरानी कर रहे हैं उनकी अब ज़्यादा स्पेस इस मुल्क में नहीं है उनके बच्चों की स्पेस शायद हो सकता है आने वाले दिनों में बन जाए और हमें उसको भी बड़े सोच समझ के ये फैसले करने चाहिए लेकिन उन अशास की स्पेस हमारे माशरे के अंदर कम होगी खौवा राना उल्ला साहब हों या दीगर बहुत से लोग हों मेरे ख्याल में उनकी स्पेस आहिस्ता आहिस्ता वक्त के वक्त ही वैसे कम होती जा रही है अब सवाल यह है कि क्या हमारी आवाम और खास तौर पे हमारी हमारी आवाम का वो यूथ जो कि नाइनटीन में वोटर नहीं था नाइन्टीज में वोटर नहीं था टू में वोटर नहीं था पाकिस्तान की समथिंग लाइकटी परसेंट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ अबाउट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट वो लोग क्या नए सियासी फैसले अपने ज़मीर सच और इंटेलेक्ट की आवाज़ के ऊपर करेंगे या अपने नए सियासी फैसले उसी तरह करेंगे जिस तरह हमारी पिछली जनरेशन ने किए कि मैं भी जाटा तो तू भी हैं तो वो भी गुजर है तो मैं भी गुजर हाँ तो फलाना भी सिंधी है तो मैं भी सिंधी हाँ तो फलाना भी उर्दू स्पीकिंग है तो मैं भी उर्दू स्पीकिंग हूँ या के ये बंदा इसके मेरे वालद एहसान आते हैं तो मैं इसके लिए वोट करूंगा या इसने मेरे भाई को जेल से छुड़वा दिया था तो मैं इसके लिए वोट करूंगा क्या हमारे आने वाले वक्त के भी सियासी चॉइसेस इसी तरह के रहेंगे या हम सियासत के चॉइसेस को और सियासतदानों को अकाउंटेबिलिटी मैं अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नाप की बात नहीं कर रहा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सवाल जवाब कि आपने जिस तरह भी आपने पूछा कि राणा सनावाला साहब से या दीगर लोगों से पूछा जाए कि आपने पब्लिक एजुकेशन के ऊपर क्या काम किया आप आठ साल दस साल लॉ मिनिस्टर रहे इस 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 सूबे के पंजाब के तो कौन से लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं जो आपने इंट्रोड्यूस किए आपका पांच साल का प्लान क्या था आपका दस साल का प्लान क्या था कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर जुडिश्री के अंदर बेहतरी आई कौन सी चीज़ें हैं जिससे सिविल कोर्ट्स इंप्रूव हुई कौन सी चीज़ें जिनसे डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इंप्रूव हुआ जो प्रोसिक्यूशन की आपने बात की प्रोसिक्यूशन के कवानीन प्रोसिक्यूशन की जो दीगर चीज़ें हैं वो लॉ मिनिस्ट्री के नीचे पॉल करती हैं उनको क्यों नहीं रिफॉर्म किया गया क्यों फेडरल लेवल पर रिफॉर्म नहीं किया गया क्यों प्रिवेंशल लेवल पर रिफॉर्म नहीं किया गया ये सवालत अनफॉर्चुनेटली हमने अस्सी नब्बे दो की दिहाई के अंदर नहीं पूछे और पूछे शायद इस वजह से नहीं कि एक जनरेशन थी जो कि इफेक्टिवली पोलिटिकली इनर्ट थी और उनके लीडर्स भी इसी तरह के अनफॉर्चुनेटली निकले अब नई जनरेशन आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन जो है हम इन शाह तला लोगों को पोलिटिकली भी अकाउंटेबल होल्ड करेंगे और उसके अंदर आप जैसे यंग नौजवान जो कि सोशल मीडिया के ऊपर दीगे टेली मीडिया के ऊपर इस तरह के काम कर रहे हैं आपका बड़ा फीडबैक है और इन शाला वक्त आने वाला पाकिस्तान जो है वो गुजशत पाकिस्तान से बेहतर होगा थैंक यू सो मच अगर हम पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की बात करें हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस पिछली गवर्नमेंट्स में भी आते थे इस गवर्नमेंट में भी आ रहे हैं आपको क्या लगता है कि ऑर्डिनेंस क्या पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को निगेट करते हैं कि नहीं करते देखिए ऑर्डीनेंस कम से कम होने चाहिए राइट लेट्स स्टार्ट विद लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के आइन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 89 के अंदर ऑर्डिनेंस पास करने की इजाजत है तो ये कोई गैर जमहूरी कोई गैर आइनी अमल नहीं है आइन में पाकिस्तान की आवाम जो कि ताकत का सरचश्मा है हमारे मुल्क के अंदर आइन में लिखा है उस आवाम ने ये इख्तियार दिया कि जब सेनेट या नेशनल असम्बली सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है आर्टिकल 89 में और जिस तरह आर्टिकल 128 के अंदर गवर्नर सूबे के अंदर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है तो ये कोई गैर आइनी एक्टिविटी नहीं है क्या ये गैर जमहूरी फ्रॉम द कॉन्सेप्ट और थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है क्योंकि के दो गुजारिशा करना चाहता हूं मुझे याद नहीं पड़ता दफा हमारे ने कोई कानून साजी करते हुए डिबेट कब की थी right. पिछले दस साल के अंदर अगर आप देखें या कम से कम पिछली पूरी इमरान खान साहब के टाइम पीरियड के अंदर तो पीटीआई के अंदर तो कोई लेजिस्लेशन हुई नहीं नवाज शरीफ साहब के टाइम पीरियड में एक मेजर लेजिस्लेशन हुई थी वैसे तो छोटी छोटी लजिस्ट्रेशन और भी थी लेकिन एक मेजर लेजिस्लेशन right. जो मेरे ख्याल में हुई थी वो इलेक्शन एक्ट दो हजार सत्रह पास हुआ था इलेक्शन right. एक्ट पास दो हजार सत्रह का पास होते हुए कोई डिबेट नहीं हुई थी किसी ने नहीं पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं आपको याद होगा कि कागजात नामजदगी जो है वो निकाल दिए गए थे उसके अंदर से ये असासा जात मैंने वो केस सुप्रीम कोर्ट तक किया और हमने जीता सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जिसकी वजह से असासा जात डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट वापस कानून के अंदर एड की गई तो निकाल दी थी और आधा कुछ लोगों से जब पूछा गया आधी पार्लियामेंट से पूछा गया कि आपने क्यों निकाली उन्होंने कहा जी हमने पढ़ा ही नहीं था कानून पास करते हुए हमें हुक्म आया हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ वजह की तरफ से कि इसको आप ओके कर दें और हमने बगैर पढ़े कानून पास कर दिया तो पहली बात यह कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, का, का मकसद यह है कि कवानी पे बहस हो आवाम की आवाज सामने आए right तो so, ऑर्डिनेंस के अंदर भी बहस नहीं हो हो रही रही और legislative assembly के अंदर तो तो हमारी वैसी बहस नहीं ना। तो हमने बड़ी बात करनी थी। दूसरी बात यह कानून साजी करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर वो रोज चोर चोर डाकू डाकू मैं नहीं चोर तुम चोर करेंगी अगर वो ये है वो जात जैसी तकारीरें करेंगे अगर वो रोज आके तो अपने सियासी डिफेंस पेश करेंगे अगर रोज वहाँ पर तकरीरें प्रोडक्शन ऑर्डर किसका जारी करना है किसका नहीं जारी करना के ऊपर होंगी अगर लेजिस्लेटिव डिबेट नहीं होगी और लोग उन लोगों के पोस्टर्स लेके खड़े रहेंगे जो जेलों के अंदर मौजूद हैं तो और और कोई लेजिस्टिव काम नहीं होगा जब भी कोई नेशनल असेंबली के अंदर अभी रिसेंटली नेशनल असेंबली के अंदर काफ़ी कवानीन को प्रेजेंट कुछ कवानीन को प्रेजेंट किया गया जब कानून के जब कानून डिबेट के लिए फ्लोर के ऊपर आया तो किसी ने डिबेट नहीं की प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर वॉकआउट्स कर दिए दंगा फसाद किया एक दूसरे को गाली गलोच की आप आ, बच्चों को टी दिखा नहीं सकते अगर नेशनल असेंबली की तकरीर चल रही हो कि पता नहीं कौन सा बंदा क्या बात कर देगा कोई नाखास्ता जबान नासाख्ता जबान ना इस्तेमाल करे तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमारी अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट पूरी तरह पूरी तरह एक 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 क्वैगमार के अंदर फंसी हुई है वहां पे नेशनल इश्यूज के ऊपर डिबेट नहीं होती सिर्फ पर्सनल इश्यूज के ऊपर डिबेट होती है जहां पे लेजिस्लेटिव प्रोसेस जब भी शुरू किया जाए तो लोग कानून के ऊपर डिबेट नहीं करते बहस नहीं करते वोटिंग करना नहीं चाहते सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा है वो सियासी और तुम चोर हो और मैं चोर नहीं हूं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हुकूमत के पास बड़ी कम ऑप्शंस रह जाती हैं एक्सेप्टी करें जो कवानीन पीटीआई की गवर्नमेंट ने उनको जब नेशनल तो गुजर गया आधे कवानीन आज भी पास नहीं हुए right. तो क्या करे अवाम हुकूमत क्या करे मैं आपके लिए कानून बनाना चाहता हूँ आप अवाम है मैं आपके लिए मैं हुतून बनाना चाहता हूं जिसके अंदर आपकी सेहत की बेहतरी हो मैं जब भी कानून प्रेजेंट करता हूं तो वहां पर वॉकआउट हो जाता है चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगते हैं या मैं चोर नहीं तुम चोर हो के नारे लगते हैं वहाँ पे प्ले कार्ड्स पकड़ के तकवीरें फाड़ी जाती हैं दंगा फसाद होता है एक दफ़ा हुआ दो दफ़ा हुआ दस दफ़ा हुआ पचास दफा हुआ अब आवाम मेरे से पूछ रही है कि भाई वो हेल्थ कार्ड का आपने कानून बनाना था या आपने सोशल सिक्योरिटी का कानून बनाना था या एजुकेशन का, का कानून बनाना था तो क्यों नहीं बना रहे तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं या मैं वो कानून ना बनाऊँ या मैं आप या मैं पोलिटिकल अपोनेंट्स के साथ किसी चीज़ के ऊपर सेटलमेंट कर लूं या ऑर्डिनेंस के थ्रू वो कानून पास करता हूँ right. राइट तो इस हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के थ्रू वो कुछ कवानी पास किए जो उसके बाद जब नेशनल असेंबली में गए तो आज तक उनके ऊपर कभी भी बहस नहीं हुई अगर मैं मीडिया के रोल की बात करूं क्योंकि आजकल आप पता है टेलीविजन सोशल मीडिया बहुत एक्सेसिबल है सबके लिए मैं कभी कभार टीवी देखता हूं तो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है एक ट्रक उलटने की वजह से रोड सारी ब्लॉक हो गई लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में लोगों को कन्वे इजी वर्ड्स में नहीं किया जाता तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ले मैन एक ले पर्सन को कन्वे करने के लिए कि क्या उसके हकूक़ है और किस तरह से सिस्टम चलता है देखिए तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जब भी मीडिया आज़ाद हुआ है आप इंडिया की एग्जांपल ले लें ब्राज़ील की एग्जांपल ले लें आम, आ, सब सहारा अफ्रीका के बहुत से मालिक की एग्ज़ाम्पल्स ले लें खैर वो तो थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है इंडोनीशिया की एग्ज़ाम्पल्स ले लें आ, ये वियतनाम साइड की एग्जांपल ले लें जहां पे भी मीडिया जब आजाद हुआ है और वो डेवलपिंग कंट्री है तो सेंसेशनलिज्म मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा है right. हमारे पड़ोस के अंदर इंडिया के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा है Obviously. उसको तो अब तकरीबन मीडिया कह ही नहीं सकते जो इंडिया का न्यूज मीडिया है उसके अंदर ज़्यादा है कि खबर कम है और उसकी स्पिन ज्यादा है अनफॉर्चुनेटली तो पाकिस्तान के अंदर भी मीडिया के अंदर जहाँ पे मीडिया ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं मीडिया ने बड़े अच्छे इश्यूज हाईलाइट किए हैं मीडिया के हाईलाइट करने की वजह से बड़े इश्यूज के ऊपर पब्लिक नारेटिव क्रिएट हुआ है उसके ऊपर डिबेट हुई है आ, वहीं पे आ, मीडिया के अंदर सेंसेशनलिज्म भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर कोई दो राय नहीं मीडिया का काम इफेक्टिवली एज इंडिपेंडेंट वॉच डॉग ऑन द सोसाइटी मैं आपको बताऊं अभी हमने थोड़ी देर पहले कागजात नामजदगी के केस वाली बात की जो 2017 के कानून के अंदर था जब हमने रिट फाइल कर दी उस केस के ऊपर अब इतना इम्पोर्टेंट बात है कानून कानून तो नदर, कि कानून में ये लिखा गया कि ना कि जो लोग भी नेशनल असेंबली या प्रिविशल असेंबली या सेनेट के कैंडिडेट्स हैं उनको अपने हज़ार डिक्लेयर ही नहीं करने ये कानून के अंदर लिखा गया जब यह रिट फाइल हुई तो उस वक्त तक मीडिया के अंदर मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं था कि कानून में लिखा जा चुका है Right. उस तक पार्लियामेंट में जिन लोगों ने कानून को पास किया था उनको भी यह नहीं पता था कि कानून के अंदर लिखा जा चुका है चंद लोगों के अलावा जिनका जो इसके आर्किटेक्ट थे तो ऑफ कोर्स मीडिया शुड कीप अ इवन मोर इंसाइसिव अबाउट इट्स एनालिसिस बट इट्स नॉट बट मीडिया कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल ऑन इट्स ओन अ लोन फॉर मेकिंग श्योर कि गवर्नेंस का पहिया दुरुस्त तरीके से चलता रहे मीडिया के अंदर बेहतर खबरें आनी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन uh, uh, बहुत से इस मुल्क के दीगर इदारे हैं जिनकी मीडिया से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन वशूज़ के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें मीडिया उनकी, उनकी उनकी सपोर्ट में काम करता है मीडिया की कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि वो गवर्नमेंट की हर छुपाई हुई चीज़ को अफशां करने की कोशिश करें इसकेगर इदारों का भी कुछ रोल है राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग फेडरल मिनिस्टर आपके लॉ के फर्ग नसीम फर्ग नसीम साहब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो अरेस्ट के ऊपर कानून है वो ग्रे है उसको क्लैरिटी उसके अंदर आनी चाहिए तो इट्स लाइक like कि अगर मेरी गाड़ी है और उस सब है, मैं को क्योंकि उसका टायर ख़राब है ऑब्वियसली चेंज भी मैंने ही करना है तो इफ़ आई एम द लॉ मिनिस्टर तो उसके लिए मुझे लॉबी नहीं फिर करना चाहिए अगर मुझे पता है कि वो ग्रे कानून है और उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए देखिए फारूक फारूक नसीम साहब एक बड़े अच्छे वकील हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड वकील हैं उनको पता है कि कौन से कवानीन के अंदर आ, ग्रे एरियाज़ हैं उनको ये भी पता है कि उन कवानीन को कैसे ठीक किया जा सकता है right. अब वो क्यों नहीं उस कर पा रहे ये सवाल तो मेरे ख्याल में फारूक नसीम साहब ही बेहतर right. बता सकेंगे या उनकी पोलिटिकल पार्टी बेहतर बता सकेगी वो क्यों उन, आ, ये रिफॉर्म एजेंडा नहीं करें लेकिन जहाँ तक उनकी ये स्टेटमेंट है कि हमारे अरेस्ट और रिलीज के कवानी के अंदर ग्रे एरियाज हैं ये बात दुरुस्त है इससे ज़्यादा जो बात दुरुस्त है वो ये है कि हमारे क्योंकि अरेस्ट की पावर्स बहुत से कवानी के अंदर डिवाइडेड है जो हमारा रेगुलर जब्ता है फौजदारी का जिसको सी सी कहते हैं उसके अंदर कुछ अरेस्ट की पावर्स हैं उसके अंदर कुछ बेल की पावर्स हैं हमारी जो पी, -पी वगैरह है उसके अंदर अरेस्ट की पावर्स हैं पुलिस के पास हमारे पास पुलिस ऑर्डर के अंदर जो अरेस्ट की पावर्स के ऊपर कुछ चीज़ें वाजें की गई हैं एंटी टेरिज्म एक्ट 1997 का उसके अंदर अरेस्ट की पावर्स पावर्ज़ा दी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर रेस्क्यू पावर्स दी गई हैं एफ आई ए के एक्ट के अंदर अरेस्ट की पावर्स पावर्ज़ा दी गई हैं एंटी नारकॉटिक्स एक्ट के अंदर अरेस्ट की पावर्स पावर्ज़ा दी गई हैं पब्लिक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अंदर अरेस्ट की पावर्स अलहदा दी गई हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर अरेस्ट की पावर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस वजह से यह सिर्फ लेजिस्लेटिव मसला नहीं है असल इशू है कि जुडिशरी इन पावर्स को इंटरप्रेट कैसे करती है कि क्या आपकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएंगी तो आपको अरेस्ट से छुटकारा मिल जाएगा और मैं जेल में मर जाऊंगा तो भी मुझे अरेस्ट से छुटकारा नहीं मिलेगा यह काम सिर्फ कानून का नहीं है इस काम के अंदर जुडिशल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ज्यादा जरूरी है right. तो कम कहे को ज्यादा जाने और आ, आ, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको आ, बहुत फॉलो करता रहता हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ इससे नहीं कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं find, <coughs> मैं आपको मतलब आई फाइंड यू इंटेलेक्चुअली वेरी साउंड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आप एक डिबेट पर थे वहाँ पे आपने कहा कि आपके एक ट्यूटर हुआ करते थे लॉ के और उस बात का बेसिक क्रक्स ये था कि वो ये कहते थे कि आपने अपनी वॉइस को रेज करने है जब अपने फैक्ट्स को रेज करना है जब आप इसका क्या मतलब है देखिए सबसे पहले मैं ये गुजारिश आपको करता चलूँ कि आपका आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने कहा कि आपके ख्याल में मैं लॉ में बड़ा साउंड हूँ तो ये बात दुरुस्त नहीं है Um, um, मुझे उतना कानून नहीं आता जितना क्या आना चाहिए और मेरे से तकरीबन बेशतर वकीलों को मेरे से ज़्यादा कानून आता है मौला कायनात की uh, दी हुई इज्जत है um, मैं इसके लायक नहीं हूँ और पहले भी नहीं था अब भी नहीं हूँ आइंदा भी नहीं हूँगा ये uh, देन है ये अचीवमेंट नहीं है इट्स ग्रेस इट्स नॉट इट्स नॉट डिज़र्व्ड इट्स जस्ट ग्रांटेड जस्ट Uh, ये रब की ग्रेस है सिर्फ और उसकी मेहरबानी है आई डोंट डिजर्व इट बट कमिंग टू द आइडिया ऑफ ऑफ आर्टिकुलेटिंग योर आर्गमेंट इन कोर्ट और इन टेलीविजन हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है right. और वैसे डिबेटिंग का इतना कल्चर भी नहीं है लेकिन तो हमारे मुल्क के अंदर ये किसी वजह से एक कॉन्सेप्ट चल पड़ा कि जो शख्स थोड़ा मुक्के शुक्के ज्यादा मारे या ऊंची आवाज में बात करे या आपने बिलावल भट्टो जदई साहब की वो तकरीर सुनी होगी कि सर दें चाहिए तो सर देंगे वाली जो कि वो बड़ी अच्छी तकरीर है लोगों का ख्याल है कि इस तरह की आवाज़ में तकरीर करनी तो ये बात दुरुस्त नहीं है कम अज़ कम एडवोकेसी के अंदर ये बात दुरुस्त नहीं है right. हो सकता है सियासत के अंदर ये बात दुरुस्त हो मैं उसको नहीं जानता एडवोकेसी के अंदर अदालत में ये बात दुरुस्त नहीं है अदालत में मेरा काम यह है या किसी भी वकील का काम यह है कि वो अपने क्लाइंट के मुफादात को प्रोटेक्ट करे और उसकी बात सुनने वाले जज साहब तक ऐसे पहुंचाए कि उन जज साहब को कुछ दिल में हमदर्दी आए आपके क्लाइंट के लिए और कुछ कानून के अंदर वो समझें कि आपके क्लाइंट का हक दुरुस्त है ये बात तकरीर करने से या ड्रामा परफॉर्मेंस देने से या शेक्सपीरियन बात करने से जरूरी नहीं कि अचीव हो अगर हो रही हो तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन जरूरी नहीं कि अचीव हो right. ये बात जिस तरह दो लोग आपस में बैठ के एक दूसरे को समझाते हैं बात अगर मैं आपको समझाना कि मेरे क्लाइंट का ये मसला है इसमें ये कानून कहता है ये उसके साथ ज्यादा हुई है इस वजह से हम आपके पास आए और आपको ये बात समझ आ जाए मेरे चीख पुकार करने से के अलावा के, के, के आपको ये बात समझ आ जाए तो मेरे क्लाइंट का को रिलीफ भी मिल गया मैंने अदालत का एहतराम भी किया दीगर चीजें भी अच्छी हो गई ये एक अच्छे वकील की निशानी है मैं अच्छा वकील नहीं हूं लेकिन मैंने जिन अच्छे वकीलों को देखा उनकी ये निशानी है इसको अचीव करने के लिए सबसे जरूरी बात जो है वो आपका अंदाज बयान नहीं है वो आपकी आवाज का उतार चढ़ाव नहीं है इसको अचीव करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने क्लाइंट के केस के फैक्ट्स पता हों और उसका कानून बताओ। फैक्ट्स एंड नो लॉ वैसे तो no judge भी, uh, इसका है, टॉक अबाउट फॉर नाउ उसकी एक एडवोकेसी में और इंपॉर्टेंस है बट नो दो लॉ जो है uh, अगर आपको अपने अपने केस के फैक्ट्स नहीं पता या जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसके फैक्ट्स नहीं पता या जो आप आर्गुमेंट टेलीविज़न पे पार्लियामेंट में ख़ास तौर पे अदालत में कर रहे हैं उसका कानून नहीं पता तो आप जितनी भी ऊंची आवाज़ कर लेंगे आप उससे ये बात रेक्टिफाई नहीं होगी आप जितनी भी नीची आवाज़ कर लेंगे उससे ये बात रेक्टिफाई नहीं होगी अदाल अगर अदालत आपसे पूछ रही है कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या कानून है और क्या आपको रिलीफ चाहिए तो वो अंदाज़े बयाँ से आपकी तैयारी कवर नहीं हो सकती उसके लिए रात लगानी जरूरी है उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी ज़रूरी है और मैं तो शायद नहीं लेकिन बहुत से पाकिस्तान में वकील हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं साहब जसुष साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो इट वाज एन ऑनर फॉर अस बहुत शुक्रिया आप देख रहे थे जस्ट वन टीवी पे द शो कैटलिस्ट कीप वाचिंग सी यू नेक्स्ट वीक